कठुआ आतंकी हमले को लेकर एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं और नई नई जानकारियां सामने आती चली जा रही हैं। कठुआ हमले के गद्दारों की जानकारी भी हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय ओवरग्राउंड वर्करों ने आतंकियों की मदद की है और उनकी तलाश भी की जा रही है। यानी हिंदुस्तान के ये वो गद्दार हैं जो खाते भारत का है, रहते भारत में हैं और काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है ताकि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जो ये आतंकवादी है, इनको कुछ चंद मुट्ठी भर जो स्थानीय मददगार हैं, उनके कारण ये सफल हो रहे हैं ये आतंकवादी। और जो कल आतंकी घटना घटी है उसमें भी बताया जा रहा है कि एक से दो इनके स्थानीय गाइड थे जिन्होंने उनको पहाड़ी क्षेत्र का जो है यहाँ का भूगोल से अवगत कराया, यहाँ के रास्तों से अवगत कराया, पैदल मार्ग से अवगत कराया, उनको खाना दिया है पिछले कई दिनों से और साथ ही में उनको शरण भी दी है। और सूत्रों का ये भी कहना है कि जब ये आतंकी हमला कल हुआ तो उनके जो लोकल गाइड्स थे, स्थानीय गाइड्स थे, जो मददगार थे, उन्होंने आतंकवादियों को भागने में भी जो है मदद पहुंचाई है। फिलहाल अगर हम इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो गहन तलाशी अभियान चल रहा है पूरे क्षेत्र में। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि जम्मू के इलाके में पाकिस्तान के 40 से 50 आतंकी दाखिल हो चुके हैं। ये जंगली इलाके में छिपे घूम रहे हैं और घात लगाए बैठे हैं ताकि ये हमले को अंजाम दे पाए। और यही वजह है कि इनके लिए नई रणनीति तैयार कर इनसे निपटने की तैयारी की जा रही है। हाल फिलहाल में भी यहाँ जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ये पाकिस्तानी आतंकवादी करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो है आतंकवादी भारी संख्या में यहाँ घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 40 से 50 आतंकवादी इस समय जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय हैं, ये घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। अलग अलग समूह में ये जो आतंकवादी हैं इस समय सक्रिय हैं और ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं नई रणनीति बनाने में भी लगी हैं, लेकिन बार बार ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो या अब कठुआ जिला भी हो। और ये कठुआ जिला का ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, मैं आपको यहाँ का भूगोल भी दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए कितना कठिन क्षेत्र है, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है और ऐसे क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी जटिल कार्य रहता है, इसीलिए सुरक्षा बलों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो देश के गद्दार हैं और जो भारत के दुश्मन हैं, इन सभी को निपटाने के लिए सुरक्षा बल लगातार प्लानिंग करके सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। जैसे ही इनकी खोपड़ी इनके हाथ आएगी, उम्मीद करते हैं कि खोल दी जाएगी। सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।